झारखंड में अजब गजब खेल अक्सर दिखाई पड़ते रहते हैं, लेकिन इस अजब गजब के खेल में कई बड़े कारनामे भी कभी कभी हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़वा जिले से सामने आया है, आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल गढ़वा जिले में बस संचालक परिवहन विभाग की आंखों में धूल झोंक रहा है। मामला ऐसा है कि वहां से चलने वाली दो बसें एक ही नाम और एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से चल रही हैं। दोनों यात्री बस की बॉडी का कलर भी अलग अलग है। दोनों बस प्रशासनिक महकमे के नाक के सामने से गुजरते हैं, लेकिन परिवहन विभाग की खामोशी समझ से परे है। आपको बता दें कि गढ़वा जिला मुख्यालय से माँ लक्ष्मी नामक दो बसें खुलती हैं। एक बस चीनिया के लिए प्रस्थान करती है तो दूसरी धुरकी के लिए। दोनों का नंबर CG15A8280 ही है। रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ का है और परिचालन झारखंड से होना कई सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बस मालिक एक ही रजिस्ट्रेशन पर दो बसों का परिचालन कर परिवहन विभाग की आंखों में धूल झोंकने में अब तक कामयाब रहा है। जब इस बारे में DTO भागीरथ प्रसाद ने सवाल किया तो क्या जवाब आया, आप भी सुन लीजिए। अभी तक तो आपके द्वारा ही अभी बात रखी गई है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और नियमता दो गाड़ियों का एक नंबर नहीं हो सकता है, अगर ऐसा है तो ये मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन है और पकड़े जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर ये बहुत दिन से चल रहा है और आप लोग तो पता नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं था। अभी तो मैं मार्च में ज्वाइन किया हूँ और ज्वाइन करने के बाद निर्वाचन कार्य में व्यस्त थी। आपके द्वारा प्रकाश में लाया गया है तो लोग जाँच कर कार्रवाई करेंगे। आगे क्या होगी, जाँच होगी और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल झारखंड में इस तरह की अजब गजब का खेल पहले भी होता रहा है, चाहे चारा घोटाला का मामला हो या अन्य घोटालों की चर्चा। और जब दो बसों के एक ही नंबर से सड़क पर चलना किस नियम के तहत है ये तो विभाग के अधिकारी ही बताएंगे। सबरंग के लिए गढ़वा से सुजीत दुबे की रिपोर्ट।